उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बहादुरपुर ब्लॉक है। यहाँ एक सफाई कर्मी को उसके हुनर ने आम से खास बना दिया है। दरअसल भेड़िया ग्राम पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मचारी सरजू ने न सिर्फ गांव की सफाई की बल्कि प्लास्टिक के कचरे से महात्मा गांधी की प्रतिमा बना दी। इस कला को देखकर हर कोई हैरान है। सरजू की ड्यूटी जहां पर भी लगी उन्होंने बखूबी अपना काम किया। ग्रामीणों को जागरूक करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, सफाई के दौरान उन्हें जो भी प्लास्टिक मिलती वह उसे बेच देते। इसके एवज में जो पैसा मिलता उसे ग्राम पंचायत निधि में जमा करा देते। इसकी वजह से अफसर भी उनकी तारीफ करते हैं। सरजू को यह प्रेरणा कहां से मिली, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। पुरानी सीढ़ियों में हम के संरक्षण में रह के वेस्ट टू आर्ट की एक टीम थी, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाए जो कि मान महोत्सव में जैसे उत्सव में काम आते हैं, जो प्रदर्शनी के तौर पर दिखाए जाते हैं। और मैडम ने ये भी हम सबको शिक्षाएं दी कि अगर इस तरह से पॉलीथीन वेस्ट से कुछ बनाया जा सके तो संभव है। उनकी ये बात हमारे जहन में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो हमने अपने गांव में ऑलरेडी प्लास्टिक वेस्ट और पॉलीथीन का एकत्रीकरण बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। उसके अंतर्गत मैंने प्लास्टिक वेस्ट बेच करके कुछ आय भी अपने ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत निधि में जमा किया। और बच्चे पॉलीथीन से हमने रस्सी को उसी के पॉलीथीन के माध्यम से रस्सी बना बना के हमने महात्मा गांधी जी के स्टैचू का निर्माण किया। क्या जागरूक फैलाएंगे और लोगों के लिए? हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि जो पॉलीथीन हमारे आने वाले भविष्य के लिए एवं वर्तमान पीढ़ी के लिए दुश्मन है और हमें इससे रोगों की ज्यादा प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो रही है, इससे निजात पाया जा सके और सभी लोग अपने गांव में पॉलीथीन वेस्ट का एकत्रीकरण करके कुछ न कुछ नई शिक्षाएं